हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टू वेरिएबल के मैप। तो टू वेरिएबल के मैप तो हम कैसे मैपिंग कराएंगे वो तो दिखाएंगे ज़रूर, पर इस वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है कि पहले के मैप के बारे में थोड़ा सा पता तो चले कि टू वेरिएबल के। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लो, और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना मत भूलना क्योंकि यहाँ पे ही मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम बात करेंगे के मैप के बारे में और टू वेरिएबल का। तो अगर तुम्हें पता है कि टू वेरिएबल है कोई एक्सप्रेशन में, तो मतलब वो दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है। तो जितने कॉम्बिनेशन हो सकता है उस उतना सेल क्या है, कैसे काम करता है, वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस पे जो बताना चाहते थे, टोटल कितने ए बी का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब क्या होगा, चार कॉम्बिनेशन होगा। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, के हो सकता है कि ए एक, ए दूसरा, ए तीसरा, ए चौथा, इससे ज़्यादा और कोई कॉम्बिनेशन हो तो तुम कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे जितना पता है कि इससे ज़्यादा नहीं होता, अगर तुम्हें पता है तो बताना, ठीक है। तो इन चारों को क्या बोलते हैं, मिन टर्म, ठीक है। इंस्टेड ऑफ representing the mean term of the input variable using the shorthand notion, the mean term may be represented in terms of their decimal designation. देखो जो मैं बता रहा हूँ वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर ये तुम्हें नहीं पता होगा ना तो के मैप में मतलब कर नहीं पाओगे, इसीलिए। तो यहाँ पे जो बोला वो क्या, स्मॉल m जीरो, मतलब जो हम मिन टर्म रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसको स्मॉल m से मिन टर्म रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो वो सफिक्स होता है वो उसका डेसिमल डेजिग्नेशन होता है, ठीक है। और तो ये m जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इन मिन टर्म के अंदर, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होता है उसका क्या होता है, ज़ीरो होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट भी जीरो है और बी का कॉम्प्लीमेंट भी जीरो है। तो ये रहा इसका बाइनरी फॉर्म, इसको डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, यही है वो डेसिमल डेजिग्नेशन, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट भी, तो इसका वैल्यू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट जीरो और बी मतलब वन, तो जीरो वन का डेसिमल वैल्यू क्या है, वन है, तो वो डेजिग्नेशन ऐसे हुआ। और क्या क्या हो सकता है, एम टू, वो क्या होगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट, और क्या हो सकता है, एम थ्री, ए बी, इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई बुलियन एक्सप्रेशन दे दे तो तुम उस बुलियन एक्सप्रेशन का ये मिन टर्म कैसे निकालो, बुलियन एक्सप्रेशन से मिन टर्म कैसे निकालोगे, वो मैंने वीडियो में दे दिया है, जाके प्लेलिस्ट एक्सेस करना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, द लेटर स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मिन टर्म एंड द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द डेसिमल डेजिग्नेशन ऑफ द मिन टर्म, जो मैंने यहाँ पे बताया वो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब जहाँ जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था वो है, फाइंड मिन टर्म यूजिंग ट्रुथ टेबल। देखो एक बुलियन एक्सप्रेशन हमने दे के रखा है ऐसे, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप एक कैसे हुआ वो तो तुम्हें मैंने यहाँ पे बता ही चुका हूँ, जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको, ठीक है। इस लाइन के बाद हम क्या करेंगे, एम ज़ीरो, तो एम ज़ीरो को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या मिन टर्म के में क्या यूज़ करते हैं, हम समेशन, स्मॉल एम है, स्मॉल एम, इसको ज़ीरो और क्या है, टू है और थ्री है, तो ये है ए एक्सप्रेशन। तो इसका वो जो ट्रूथ टेबल वाला काम किया था ना, तो कैसे हो, मिन टर्म में क्या क्या हो सकता है, जीरो टू थ्री, मतलब जीरो वन टू थ्री मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता टू वेरिएबल के। थ्री वेरिएबल को कितना होगा, टू टू दी पावर थ्री, मतलब एट तक, सेवन तक, जीरो से सेवन तक हो सकता है। तो इनपुट क्या क्या हो सकता है कि जीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन, वन ज़ीरो, वन वन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आउटपुट में हम क्या लिखेंगे, यही है दिक्कत वाली बात। आउटपुट में क्या लिखेंगे वो मैं नीचे लिख के रखा हूँ, देखो
क्या है कि वन इन द आउटपुट कॉलम इंडिकेट्स दैट द आउटपुट कंटेन दैट पर्टिकुलर मिन टर्म इन इट्स सम, और जीरो इंडिकेट्स दैट द पर्टिकुलर मिन टर्म डज नॉट अपेयर इन द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट। तो यहाँ पे जो मिन टर्म में क्या है, 0, 2, 3 है, तो 0, 2, 3 में क्या आएगा, ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहा 3, तो इसमें सिर्फ 1 आएगा और बाकी जिसमें नहीं आया उसको 0 आएगा। ये रहा ट्रुथ टेबल वाला एग्जांपल, मतलब ट्रुथ टेबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मिन टर्म मैक्स टर्म मैं तुमको दिखाऊंगा एक बड़ा सा एग्जांपल लेके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पर जो मैं यहाँ पे बताया वो ये मैप जब हम बनाएंगे ना वहाँ पे काम आएगा, इसीलिए मैंने ये बोला, ठीक है। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।